बुंदेलखंड के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बन चुके बागेश्वर धाम पर निरंतर मानव कल्याण हेतु हवन यज्ञ होते रहते हैं और इस बार भी हनुमान जयंती विश्व कल्याण एवं भारत हिंदू राष्ट्र हो इसके लिए बागेश्वर धाम पर 125,000 हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें करीब 250 ब्राह्मण निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और बनारस से आए हुए 11 यज्ञचार हवन में आहुतियाँ डाल रहे हैं। यह आयोजन विगत 2 अप्रैल से चल रहा है जो कि 6 अप्रैल हनुमान जयंती पर संपन्न होगा और पंच दिवसीय इस आयोजन में 6 अप्रैल को पूर्ण आहुति दी जाएगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस महायज्ञ के संबंध में जानकारी दी है। हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, ये हम सब सनातनियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि 6 अप्रैल को श्री हनुमान जी महाराज का प्रकटोत्सव है, जन्मोत्सव है। इस पावन उपलक्ष्य में 125,000 हनुमान जी। इस आयोजन के संबंध में कौशल किशोर जी महाराज ने विस्तार से जानकारी दी है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हमारा नाम कौशल किशोर शास्त्री है। देखिए, ये जो महाराज जी यज्ञ यहाँ पे करवाते हैं, महाराज जी का उद्देश्य विश्व कल्याण है। पूरे विश्व का जिसमें कल्याण हो, महाराज जी वही कार्य करते हैं। इसमें पूरे विश्व का कल्याण, अपना भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ये महाराज जी का संकल्प है। इसी संकल्प के लिए महाराज जी ऐसे अनेक अनेक यज्ञ करवाते रहते हैं। कब तक चलेगा महाराज? ये 5 दिवसीय यज्ञ है। 6 अप्रैल तक यह यज्ञ चलेगा। 6 अप्रैल को पूर्णा होती है। इसमें 125,000 हनुमान चालीसा भी हो रहे हैं और यत्र तत्र से लगभग 250 के करीब ब्राह्मण आए हुए हैं। अपने यज्ञाचार्य जी बनारस से पधारे हुए हैं और 200-250 ब्राह्मण और आए हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। क्या उद्देश्य मेन इसका सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के मेन उद्देश्य महाराज जी का यही है, अपना सनातन जागृत हो, विश्व का कल्याण हो, जितनी भी आदि व्याधि दुख तकलीफ संसार में है, पूज्य महाराज जी का संकल्प है। उसी के निमित्त महाराज जी यहाँ पर अनेक अनेक यज्ञ करवाते रहते हैं। सबकी तकलीफ दूर हो, सबका दुख दूर हो, विश्व कल्याण हो, सुख शांति रहे। देखा जाता है पिछले इसके पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था, ऐसा ही विशाल कार्यक्रम। बिल्कुल, इससे पहले भी यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान ने यज्ञ करवाया था विश्व कल्याण के लिए और उनका तो अथक प्रयास ही यही रहता है, दिन रात वो इसी में लगे रहते हैं जिससे विश्व का कल्याण हो, सब लोग सुखी रहें। बागेश्वर धाम पर आने वाले भक्तों से क्या कहेंगे? यहाँ पर जो भक्त आते हैं, बालाजी सरकार उनकी पुकार सुनते हैं, उनके दुख दर्द दूर करते हैं और सब लोग यहाँ से खुशियाँ लेकर के जाते हैं।